like a bell cut. यो दोस्तों, कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और नया कस्टम रोम। ये RR रिमिक्स रोम है। हम सुने यार रियो रिमिक्स जो भी नाम है इसका, RR रोम है ये। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन भी इसमें आपको अनलिमिटेड मिलती है। ये सबसे बेस्ट रोम है कस्टमाइजेशन में। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन कोई भी अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलेगी आपको इसमें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ कस्टमाइजेशन से आप फीचर्स क्या काम करते हैं। फिंगरप्रिंट आपको नॉर्मली है काम करेगा बेस्ट। ये टैप करा, ये ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट ओके है बिल्कुल। यहाँ से आपको ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाएगा। इससे आप अपने स्पीकर का बेस बढ़ा सकते हैं। स्पीकर नीस में आपको उसमें काम करेगा, ईयरफोन्स में आप इसका बेस बढ़ा सकते हैं। आपने आई थिंक गाने अच्छी तरह से सुन सकते हैं बढ़िया उसमें, बेस में, हाई बेस में वगैरह वगैरह, ठीक है। और आप इसमें आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। इसमें आपको प्लग करना पड़ेगा इसमें ईयरफोन, तब जाके FM रेडियो इन्हें मिलेगा। RR स्टेटस में मिल जाएगा आपको इसमें। अब बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ अभी। फीचर्स की लाइन लगी पड़ी है इसमें, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फीचर्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फीचर्स ही फीचर्स मिलेंगे इसमें। कस्टमाइजेशन ये पेज ही कस्टमाइजेशन का है। आपको दिखाता हूँ अभी फीचर्स क्या क्या नया नया आया है इसमें। देख सकते हैं आप कितने सारे फीचर्स आए हैं इसमें। वेकअप, बैटरी लाइफ, कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, LCD डेंसिटी, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। आप भी देख देख के थक जाएंगे इसमें। अनलिमिटेड फीचर्स, ठीक है। मैंने अभी येलो कर रखी है वो नाइट लाइट ऑन। अभी इसमें अपने हिसाब से जब रात हो जाती है ऑन हो जाती है इसमें नाइट लाइट। और मैं आपको इसमें डार्क मोड भी मिल जाता है, वो दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले में जाके लाइव डिस्प्ले, डिस्प्ले मोड, नाइट, डे, देखो डे, अगर डे होएगी ऑटोमेटिक पे अभी है। जैसे आपकी सुबह हो जाएगी तो आपका ऐसा हो जाएगा, अगर जब आप रात हो जाएगी तो नाइट वाला हो जाएगा मोड, ठीक है। ऑटोमेटिक पे रखो, इसे बेस्ट है। अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए, कितनी वार्म चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। डे में भी हिसाब से कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये देखो कौन सा कलर हो गया, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप। और आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे। आपको इसमें डार्क मोड भी मिल जाता है, दिखाता हूँ आपको। ये आपको ऑटोमेटिक कर सकते हैं आप। अभी रात डार्क मोड हो जाएगा, जब सुबह हो जाएगी तो लाइट मोड हो जाएगा। जैसे आईफोन में है डार्क मोड, डेट डे ऑफ द टाइम, तो वॉलपेपर बताओ उसमें तो वन ब्लैक। ये देखिए डार्क मोड हो गया, यहाँ पे ब्लैक भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आपको ऐसा मिलेगा, ब्लैक में ऐसा मिलेगा आपको, ये भी खुद ब्लैक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ग्रे ग्रे से होएगा पीछे डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। ये फोकस नहीं हो रहा क्या? चलिए और बताता हूँ आपको। ट्यून द मैजिक अप्लाई इट, ट्यून द मैजिक ऑटोमेटिक, आपको ये चेंज हो जाते हैं। लाइट विद द स्कैन ओके, स्काई एन कलर हो गया। एक मिनट, ये आप चेंज कर सकते हैं, मैं अभी ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब आप ये चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। पर्पल, ब्लू, कोई भी कलर, जैसे मैं रेड करता हूँ, यहाँ से रेड चेंज हो जाएगा। ब्लू ब्लू जो है ना, ये रेड में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कोई भी कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए मैंने वाइट ही कर दिया से। एक फीचर बताता हूँ आपको मैं, एक मिनट। रिसेंट ऐप्स में था ना वो स्लिम, आपको जैसे ये आया देखो, रिसेंट ऐप्स आपको ऐसे मिलता है इसमें, ठीक है। अब आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ऑन करा स्लिम हो जाएंगे, ये आपके सारे इधर हो जाएंगे, ठीक है। साइड में आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं ऐसे। एक नया फीचर है इसमें कस्टमाइजेशन है इसमें, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए आपको फ्लैशिंग बताता हूँ, अगर आपने कैसे फ्लैश करनी है ये रोम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये सभी फ़ोन के लिए, रेडमी के सभी फ़ोन के लिए अवेलेबल है। बाकी फ्लैशिंग सेम ही है सबकी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं रेडमी 5 में कर रहा हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 6, रेडमी नोट 8, नोट 8 प्रो नहीं आया अभी, K20 प्रो, सारे रेडमी 5 है, रेडमी 4 है, सब में फीचर अवेलेबल है रोम।
तो आप उसे फ्लैश कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जोन से आपके फ़ोन का नहीं है उसमें लिंक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक वो। चलिए आपको बताता हूँ फ्लैश कैसे करनी है। आपको टीटल आर पी इंस्टॉल करना है, इसमें बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, फिर आपको टीटल आर पी फ्लैश होनी चाहिए अपने फ़ोन में। चलिए टीटल आर पी में चलते हैं। आपको पहले पावर अप एंड वॉल्यूम बटन दबा कर रखना है, पावर वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दबा कर रखना है, इसे आपका फ़ोन टीटल आर पी में बूट हो जाएगा। इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, वो मैं दिखाने बोल गया आपको, आप चेक कर सकते हैं खुद। चलिए दोस्तों, हम टी डब्ल्यू आर बी में एंटर हो चुके हैं। टी डब्ल्यू आर बी में एंटर होने के बाद आपको पहले वाइप करना है अपना डाटा। पहले आप बैकअप करना चाहते हो बैकअप कर सकते हैं यहाँ से डाटा। आपको आपको ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये आइटम्स, ये 5 आइटम्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से आपका बैकअप हो जाएगा। ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखे वैसे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको स्वाइप टू बैकअप कर देना है। ठीक है, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है करने की, मैंने पहले ही ऑलरेडी बैकअप है मेरा। ठीक है, अगर आपका हो भी गया, समझ लो हो भी गया, अगर ब्रेक आपका फ़ोन मतलब फ्लैश नहीं हुई टी डब्ल्यू आर पी, वो फाइल में एरर हो गया, करप्ट हो गया फाइल, तो हम यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं जो आपने बैकअप कर रखा हो। अगर आप अपना जो ये रोम बैकअप ना सिर्फ माइक्रो एसडी कार्ड या ओटीजी में ही करना, इंटरनल स्टोरेज में मत करना, इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट होगी अभी इतने उसमें मत करना। ठीक है, रिस्टोर करने रिस्टोर यहाँ से कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप में, ओ टी जी से यहाँ से ओ टी जी सेलेक्ट करना है, माइक्रो एस डी कार्ड या जिससे भी आपने जहाँ भी आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से वाइप में जाना है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मेट डाटा लिखा है, यहाँ पर फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको येस कर देना है। देखो यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, चलिए फॉर्मेट हो गया यहाँ पे हमारा। अब आपको बैक जाना है, फिर बैक जाना है, फिर एडवांस वाइप पे जाना है, यहाँ से आपको डॉल्फिन से सिस्टम डाटा कैच ये आपको सिलेक्ट कर लेना है और स्वाइप टू वाइप कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप, चलिए यहाँ पे हमारा वाइप हो चुका है डाटा। अब बैक जाना है आपको, फिर से बैक जाना है, बैक जाना है आपको, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से इंस्टॉल, यहाँ से आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, या आपके पास इंटरनल स्टोरेज में होगी तो इंटरनल स्टोरेज से, चलिए मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में, लैपटॉप से कंप्यूटर में, इंटरनल स्टोरेज से करूँगा मैं फ्लैश। चलिए मैंने यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है, डाटा ट्रांसफ़र के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगी। आपको ये मैंने थ्री थ्री कॉपी कर रखा है, आपको टू ही कॉपी करनी है, एक मैंने गलती से कर दिया है। आपको तीसरे नंबर पर दिख रही होगी आर आर पी वाली, ये आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे फ्लैश कर देनी है स्वाइप। ठीक है, यहाँ से हमारी स्वाइपिंग स्टार्ट हो गया है, ये आर आर रोम में हमारी आर आर, ये आपको बता दूँ मैं इसके बारे में, आर आर पी वर्जन 7.0, इसका ओएस वर्जन नहीं है, एंड्रॉयड वर्जन नहीं है, एंड्रॉयड वर्जन इसका 9 पाई है। ठीक है, इसका सिक्योरिटी पैच इसमें चल रहा है 1.5 का, अभी इसमें अपडेट नहीं आया, ऑफिशियल वर्जन है, बिल्कुल स्टेबल वर्जन है अब तक का। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन भी इसमें अनलिमिटेड है, अपने हिसाब से कर सकते हैं कोई भी कस्टमाइज, इस से कस्टमाइजेशन में सबसे बेस्ट रोम मानी जाती है। ठीक है, सर थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्लैश होने में, ये रोजी के लिए है, रेडमी 5 है, आप चाहे तो कोई भी फ़ोन के लिए आपको मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से कोई भी फ़ोन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन उसमें नहीं है, शो नहीं कर रखा कि आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा वो रोम, ये ऑफिशियल रोम है, आप देख सकते हैं नाम इसका आर ई एस यू रिक्शन रिमिक्स डॉट कॉम, बाकी पढ़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे रोम फ्लैश हो चुकी है, अब आपको गैप्स फ्लैश करने हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो गैप्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपको 9 पाई वाले डाउनलोड करने हैं, मैंने पाई वाले डाउनलोड कर रखे हैं, ये फ्लैश करने हैं आपको स्वाइप, यहाँ पे फ्लैश स्टार्ट हो गया। अब ओपन गैप्स माइक्रो 9 है, ये मैंने अभी माइक्रो वाले करे हैं, फुल वाले मिल जाते हैं, स्टॉक वाले मिल जाते हैं, मिनी वाले मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें अलग अलग ऐप्स ज़्यादा रहते हैं, फुल वाले में फुल ऐप्स हो जाएंगे सारे गूगल के, जो भी मिलेंगे आपको माइक्रो में कम हो जाएगा, मिनी में और कम हो जाएंगे, स्टॉक में थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे एंड्रॉयड वन में मिलते हैं आपको वैसे।
चलिए यहाँ पे हमारी फ्लैश ख़त्म हो चुकी है, हमारा पूरी फ्लैशिंग दोनों फाइल से ख़त्म हो चुकी है। अब आपको रिबूट करना सिस्टम यहाँ से। जब मैंने रिबूट कर लिया आपको बूट लोगो पहले एम आई का मिलेगा, स्टार्टिंग वाला इसके बाद चेंज हो जाएगा। चलिए देखते कौन सा मिलेगा आपको बूट लोगो। ये देख सकते हैं आपको RR का लोगो मिल जाएगा आपको ऐसा। इसमें आपको कस्टमाइजेशन अनलिमिटेड मिलेगी, आप अपने अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड से ज़्यादा मिलेगी एम आई यू आई जैसी ही आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें कस्टमाइजेशन है। चलिए यहाँ पे हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये कनेक्ट टू वाईफाई स्किप कर देता हूँ मैं सारा। अच्छा तो नोट नाउ सीधा नहीं पे इससे बेस्ट रूम मिलेगी आपको। आप इसमें यहाँ पे पाई के आपको गेस्टर्स मिल चुके हैं, यहाँ पे पाई के गेस्टर्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कौन सा अप्लाई करना है। दो रोम मिलेगी इसमें आपको, एक तो पिक्सल वाली कैप्स वाली, आपको ये सबसे बेस्ट लगेगी, यही कर लेता हूँ मैं ऑलवेज। कस्टमाइजेशन इसको बहुत मिलेगी आपको, आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्रिड साइज़ भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अभी पीली हो चुकी है स्क्रीन, क्योंकि वो है क्या बोलते हैं उसे, वार्म हो चुकी है स्क्रीन, आपको कूल करनी पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक ही है, इसमें आपको दिखा देता हूँ आप कस्टमाइजेशन। आपको सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बैटरी स्टाइल, विक सेटिंग, रीसेंट लॉक स्क्रीन, एनिमेशंस, बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी आपको इसमें, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप। बाकी आपको कैमरा ये रहा, आप इसमें गूगल कैमरा भी फ्लैश कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे आपने फ्लैश करना है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। अब वो भी TWRP से फ्लैश होएगा, पहले तो आपको ऐप ऐसे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको फिक्स उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सिंपल है इंस्टॉलेशन बिल्कुल। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।